जॉन सीना एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत बड़े सुपरस्टार है, बट जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने से पहले बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, तब जाकर जॉन सीना इतने बड़े लेवल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहुंचे। और गए यहाँ पर से जॉन सीना ने भी अपने लाइफ के अंदर कुछ हमें जो है यहाँ पर से जो मतलब कटिंग क्षण होते हैं वो यहाँ पर से जॉन सीना ने बताया। तो क्या है वो चीज़ है, जब जॉन सीना ने ये सारी बातें बताई अपनी इंटरव्यू के अंदर, तो इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। समूहा जो ने भी कहा है कि भाई उनको भी क्यों मजा आता है कोकीना फ्लश देने में, दे वर नॉमिनल वन एजस टास्क, और क्या इसके पीछे के राज क्यों, आखिर समूहा जो को एजस टास्क को कोकीना क्लच के अंदर टालने को बहुत ज़्यादा मजा आता है, इसके पीछे की भी इंटरेस्टिंग एक कहानी समूहा जो ने खुद से रिवील की है। साथ ही में बात करेंगे विन बैलर के मेन रोस्टर के डेब्यू के बारे में, क्योंकि विन बैलर ने आज खुद से इसको जो है फिर से एक बार कर दिया है टीज हो, जिन सारी बातों के बारे में वीडियो के अंदर बात करने वाले, तो वीडियो होने वाली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस डब्ल्यूडब्ल्यू के एमएस यानी मैडिसन स्क्वायर गार्डन अरीना के बारे में, क्योंकि इसके लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अब फाइनली ऑफिशियल कर दिया अपना फर्स्ट इवेंट। आप चैनल पर एक्टिव हो गए तो भाई मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू एमएस यानी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जाने वाली है, बट अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर दिया कि जो 10 सितंबर वाला स्मैकडाउन का एपिसोड होगा वो ऑफिशियली होने वाला है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर। ये पोस्टर फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू डालती है आपस से, और भाई यहाँ पर से सारे सुपरस्टार है, और डब्ल्यूडब्ल्यू बताती है कि जो 10 सितंबर वाला जो शो होगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का इवेंट वो लाइव फैंस के साथ होने वाला है एमएसजी मैडिसन स्क्वायर गार्डन अरीना के अंदर, जो कि एक डब्ल्यूडब्ल्यू की बहुत बड़ी अरीना है, जिसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू जो है बहुत समय के बाद जा रही है, और लाइव फैंस भी रिटर्न आने वाले, और मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, और कुछ एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि कुछ शो के ऊपर बड़ी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि शो है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर, शो पर बड़ी भी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ करवा सकती है। तो खैर इसलिए हमें जो है स्मैकडाउन को फॉलो करना चाहिए, स्मैकडाउन का एपिसोड फाइनल हो रहा है तो भाई इसके अंदर तो कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें जो है मैच करवा सकते हैं, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू तो देख लेते क्या होता है। बट गाइस हम लोग पढ़ लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हमारे समूहा जो के बारे में, क्योंकि समूहा जो ने भी इंटरेस्टिंग सी कहानी रिवील की है, क्योंकि गाइस उनको क्यों मजा आता है कुकी क्लच एजस एस को लगाने के लिए, वो यहाँ पर बताते हैं कि देखो एजस एस मेरी बहुत बड़ी राइवलरी चलती आ रही है, हमने देखा तभी चार पेपर उसके अंदर दोनों के मैचेस हुए थे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, बट स्टिल सरोपी के अंदर जो एजस एस जीते थे, बट यहाँ पर से समूह जो बता रही कि एजस एस के जो बाल है उसके अंदर वो जो है काफ़ी केयर करते हैं, उसकी जो शैम्पू लगा कर आता है उसकी स्मेल है मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आती है, उसकी खुशबू मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मुझे जो है एजस एस को पर्सनली कोकीना क्लच लगाने के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और भाई वो खुशबू मेरी फेवरेट है, इसलिए मुझे काफ़ी मज़ा आता है एजस टास्क को कोकीना क्लच के अंदर फंसाने के लिए, और इसलिए मुझे एजस टास्क जो है उसको कोकीना क्लच लगाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, और जो एजस टास्क है उसको जो कोकीना क्लच लगाने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं समूह जो बता दे, वैसे एक हंसी वाली बात है, बट समूह जो ने सारी बातें कही अपने इंटरव्यू के अंदर, और भाई समूह जो को पर्सनली सुपरस्टार के अंदर एजस टास्क एक ही ऐसे रेसलर जिनको कोकीना क्लच लगाने के लिए जॉन सीना जो हमारे एजस एस है समूह जो है उनको मजा दे। तो खैर इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर आपको क्या रिएक्शन से आप मुझे शेयर कर सकते हो, बट हम लोग बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी इस बार सीनेशन लीडर यानी कि जॉन सीना के बारे में, और जॉन सीना ने भी अपने कुछ आपस से मतलब जो है पल रिवील किए हैं, जब जॉन सीना कर रहे थे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, जॉन सीना बताए थे कि देखो मैं जो हूँ तब मेरे पास एक कार थी, इसके अंदर ही मैं जो सोया करता था, उसके अंदर मेरे जो है कपड़े वगैरह थे, मैं घर से जो बाहर आया था घर के अंदर मैं घर पर मैं नहीं जा रहा था, और मैं जो रोड पर गाड़ी के अंदर ही सोता था, जब मेरे पास नहाने धोने के लिए मतलब नहाने के लिए मैं जो कभी कभार मतलब कार के अंदर ही यहाँ पर से सारी चीज़ें मैं करता था, कार के अंदर ही मुझे जो है सारी चीज़ों को संभालना करता था, और भाई यहाँ पर से जॉन सीना ये सारी बात करते कि मुझे जो है कार के अंदर ही कपड़े वगैरह में बदलता था, मैं जो घर पर नहीं जाता था, क्योंकि मैं यहाँ पर से जो है जॉन सीना बताते कि उनके फादर की यहाँ पर जो है सारी चीज़ें उनको कहा था, और भाई जॉन सीना इसलिए जो है घर पर नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके फादर ने कहा था कि भाई तू जो है कुछ दिन के अंदर फिर से घर आएगा, तो जॉन सीना को ये चीज़ पसंद नहीं लगी, इसलिए जॉन सीना घर नहीं जा रहे थे। तो खैर ये जो स्टोरी है जो जॉन सीना रिवील करते, और भाई एक जॉन सीना भी काफ़ी मतलब एक हार्ड वर्किंग वाली सारी चीज़ें उनकी लाइफ के अंदर, और गाइस यहाँ पर से हर जो कोई हार्ड वर्क करने के बाद ही अच्छी होती है सारी चीज़ें, कभी किसी को आसानी से सब कुछ मिलते नहीं, तो खैर ये बातें हम जो जॉन सीना से भी सीख सकते थे, जॉन सीना ने कितना सारा स्ट्रगल किया डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने के लिए, कितनी उन्होंने जो है डब्ल्यूडब्ल्यू से छोड़कर भी मेहनत की, तो ये सारी चीज़ें जॉन सीना बताते हैं, तो इसके ऊपर भी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हो। बट गाइस अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी फाइनल अपडेट की तरफ, फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी इस बार हमारे फिन बैलर के बारे में, और गाइस फिन बैलर ने भी आज अपना मेन रोस्टर का डेब्यू दोबारा कर दिया है टीज़, और गाइस फिन बैलर क्या करते हैं आपको पता है एनएक्सटी के अंदर उनका लास्ट मैच होता है अगेंस्ट कैरी क्रॉस, उसके बाद उनके रूमर्स बहुत आ रहे थे कि वो रॉस मैडम पर आएंगे, बट इसके ऊपर वो फिर से एक बार रिएक्ट करते हैं, और भाई यहाँ पर से अपने ऑफिशियल
ट्विटर अकाउंट तरीके फोटो पोस्ट करते जो कि है शिंसुके नाकामुरा के और शिंसुके नाकामुरा के हाथ के अंदर है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर जो शिंसुके नाकामुरा का फेस है वो यहाँ पर से है फिन बैलर को, और भाई फिन बैलर ने यहाँ पर से फेस को एडिट किया, और भाई यहाँ पर से हम यह मान सकते हैं कि भाई शिंसुके नाकामुरा नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है, तब फिन बैलर आ सकते हैं स्मैकडाउन पर, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फिलहाल स्मैकडाउन ब्रांड पर है। और भाई तब जब समय होगा कि भाई जब क्या पता वहाँ ड्राफ्ट भी हो जाए तो तब टाइम पर शिंसुके नाकामुरा चैंपियन हो, तो हमें यह एंगल भी दिखाई दे सकता है कि शिंसुके नाकामुरा एंड फिन बैलर के बीच में से एक बार मैच हो जाए, क्योंकि फिन बैलर के हाथ से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ली थी शिंसुके नाकामुरा ने उस समय पहले, और इसलिए ये सारी चीज़ें हमें दिखाई जा सकती है कि भाई इन दोनों की रिवाइवल से चली आ रही। तो खैर ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बन सकती है WWE के अंदर। तो वैसे आप कितने एक्साइटेड हो फिन बैलर वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के मैच के अंदर, और फिन बैलर के इवन मेन रोस्टर के डेब्यू के अंदर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपके ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाकी आपको आज की हमारी वीडियो आज की पसंद है तो वीडियो कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कौन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।